Hey, what's up guys? So once again, welcome back to Emberticknow. So guys, this video is about COVID-19, like we call it coronavirus, right? So in this video, we're gonna be consider total 12 objective here, ठीक है? So ये जो objective basically आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है? So मुझे लगता है ये आपकी कोई भी exam दे रहे हो, like कोई भी competitive exam दे रहे हो, जहाँ पर GK की need होगी, ठीक है? जैसे general knowledge की need होगी, ठीक है? Suppose कोई भी government exam होगी basically, तो वहाँ पर एटलीस्ट इसमें से एक क्वेश्चन कंपलसरी आ सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है? आप SSC की एग्जाम दे दो या RRB की एग्जाम दे दो या कोई भी एग्जाम ले लो, गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है? तो उसमें इसमें से एक क्वेश्चन आना कंपलसरी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है? अच्छा, मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आप नए हो चैनल पर तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही वीडियोज़ लाने वाला हूँ जहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक होंगे जिसके रिलेटेड हर कोई कवर नहीं करता है, ठीक है? सो उसमें सबसे पहले वो बेनिफिट मिलेगा, दूसरा कि लाइक इट्स वुड बी यूनिक, लाइक व्हाट पीपल अपलोड ऑन देयर वीडियोस दैट वुड बी समथिंग सेम, बट व्हाट वी विल अपलोड दैट वुड बी यूनिक, ठीक है? सो इट विल हेल्प यू इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ठीक है? सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इधर क्या है, द नेम ऑफ द वैक्सीन दैट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द जर्मन कंपनी बायोनेट एंड द US फार्मा जायंट फाइजर फॉर द COVID-19, क्या बेसिकली उन्होंने नाम दिया, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले जो इससे पहले आंसर जानने से पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है? BNT162 इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द जर्मन कंपनी, ये समझ में आ गया? BNT162 एक कुछ लाइक वैक्सीन नहीं है, बट इट्स अ डोज दैट विल हेल्प टू रिकवर COVID-19 पेशेंट, ठीक है? सो वहां पर उन लोग दोनों ने मिलकर बेसिकली किया क्या है, ठीक है? दे आर ट्राइंग टू मेक अ वैक्सीन, बट दे जस्ट यू नो एक बोलते हैं डोज बोलते हैं, वैक्सीन अभी तक बनानी है, ठीक है? तो जो डोज बनाई गई है ना, बेसिकली इन दोनों ने कंपनी ने मिलकर बनाई है, ठीक है? US फार्मा जायंट फाइजर ने बनाई है और बायोनेट दोनों ने मिलकर बनाई है, ठीक है? सो बट यहाँ पर एक सीन ये हुआ कि बट द नेम ऑफ जो वैक्सीन पड़ेगा, हु विल गिव दैट, दैट वुड बी गिवन बाय द बेनटेक BNT162, ये चीज़ समझ में आ गई? बट वैक्सीन स्टिल इनएक्टिवेटेड है, अभी तक वैक्सीन बनी नहीं है, ठीक है? सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस थिंग। सो आगे बढ़ते हैं, दूसरा, नेम अ क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड फ्रॉम द रिकवर्ड COVID-19 पेशेंट टू कोरोना वायरस पेशेंट हु इज इन क्रिटिकल कंडीशन। अब देखो कैसा रहता है ना, बेसिकली हम लोगों ने काफ़ी कुछ सुना होगा, यहाँ पे मार्केट में काफ़ी चल रहा है कि प्लाज्मा थेरी नाम करके कुछ ही होती है, ठीक है? सॉरी, आई एम नॉट फीलिंग वेल। बेसिकली प्लाज्मा थेरी वो होती है कि सपोज कोई भी कोरोना वायरस पेशेंट था, ठीक है? अब वो रिकवर हो चुका है, ठीक है? अब वो रिकवर हो गया है, अब उसके रिकवर होने के बाद जो भी उसकी बॉडी में ब्लड है, ठीक है? सो प्लाज्मा थेरी कैन बी मैक्सिमम यूज 2 times, नॉट मोर देन 2 times। सपोज मान लीजिए किसी भी इंसान की बॉडी में 2 time तक की प्लाज्मा थेरी देने की अवॉइड मतलब अप्रूवल होती है, क्योंकि उसके बाद वो खुद भी जी नहीं पाएगा, ठीक है? सो बट एक चीज़ साइंस बोलता है कि एक प्लाज्मा थेरी देने पे ही कैन लिव वेल, ठीक है? सो यहाँ पर हुआ क्योंकि जो भी COVID-19 का पेशेंट था, ठीक है, तो वो तो रिकवर हो गया, बट उसका ब्लड विल हेल्प टू अदर पेशेंट, जो भी उसका दूसरा कोई पेशेंट होगा, ठीक है? इट विल हेल्प टू रिकवर हिम ऑल्सो, ठीक है? और हर ऑल्सो जो कोई भी रहेगा, वो प्लाज्मा थेरी के थ्रू, मतलब प्लाज्मा थेरी इज अ ब्लड ट्रांसफर ऑफ दैट COVID-19 रिकवर पेशेंट फ्रॉम दैट पेशेंट इज राइट नाउ, ठीक है? तो उसको हेल्प करेगा। तो इसका आंसर एक है ए, प्लाज्मा थेरी भी, ठीक है? ये चीज़ समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, हाउ डज द कोरोना वायरस ट्रांसमिट, ठीक है? वो किस तरह से वो आता है, ठीक है? सो देखो, ट्रांसमिट तो अबाव जो कुछ भी सब कुछ लिखे हैं ना, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि आप सोच रहे कि सिर्फ एयर के थ्रू आएगा, टचिंग के थ्रू आएगा, देयर आर वेरियस वे, ठीक है? सबसे पहला देखते, देखो व्हेन अ पर्सन स्नीज और कफ, ठीक है? अगर उसको कफ है या स्नीज छींक रहा वगैरह है, ड्रॉपलेट स्प्रेड है, तब एयर के थ्रू भी आ सकता है, ठीक है? इफ़ अनदर पर्सन इज नियर बाय एंड इनहेल द ड्रॉपलेट टच वगैरह, उसको टच कर रहा है या इनहेल कर रहा है, तभी भी उस कोरोना वायरस उसे लग सकता है, ठीक है? फिर इफ द डिस्टेंस इज लेस देन 1 meter, अगर आप किसी पेशेंट को कोरोना वायरस है एंड यू आर मेंटेनिंग यू नो डिस्टेंस 1 meter से कम है, ठीक है, तो आपको भी बिंदास लग सकता है, क्योंकि रीज़न ये है कि वो कुछ भी एक्शन लेगा, इट मे टच यू और इट मे स्नीज, मे भी आपके सामने छींक रहा है कुछ भी, तो वो जो वायरस रहेगा बेसिकली इट विल अफेक्ट योर बॉडी टू, ठीक है? सो आपके बॉडी में भी वो डेफिनेटली जा सकता है, तो इसका आंसर डी करेक्ट है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, सो वॉट हैपन टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम COVID-19, अगर सपोज कोई बंदा COVID-19 सफर कर रहा है तो वॉट हैपन टू, उसको क्या होता है बेसिकली, ठीक है? अब देखो यहाँ पे
काफी सारे कंडीशन लिखे हुए हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पहले पढ़ते हैं। अ पर्सन हु हैड डेवलप्ड द कोविड 19 मेजॉरिटी ऑफ द पीपल 80% डज नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट एंड विल रिकवर ऑन देयर ओन। स्मॉल पोर्शन 20% मे बी नीड टू हॉस्पिटलाइज एंड अ वेरी स्मॉल पोर्शन हु आर अंडरलाइंग क्रॉनिकल इलनेस मे बी नीड टू बी एडमिट इन ICU। देखो एक चीज समझाता हूँ आपको, ठीक है। हम देखते आ रहे कि भाई कोविड 19 के पेशेंट रिकवर हो रहे हैं, बट बेसिकली वो रिकवर कैसे हो रहे हैं आप एक चीज़ समझना। रिकवर होने का रीज़न ये होता है कि कोई सबकी इंटरनल बॉडी में एंटीबायोटिक होती है, ठीक है, जो अपनी बॉडी को खुद इंप्रूव करती है। सपोज़ मान लीजिए आपको कोई बुखार होता है, ठीक है, वो थोड़ा टाइम के लिए रहता है, दो दिन तीन दिन, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिक रिकवर हो जाता है, ठीक है। तो वाई गेटिंग ऑटोमेटिक रिकवर, लाइक यू टेक मेडिसिन, इट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर इम्यूनिटीज और कुछ भी चीज़ को हेल्प करता है ताकि वो उससे रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो मेडिसिन एक हेल्प करती है, ठीक है, वो आपके बॉडी में कुछ इतना कुछ नहीं कर रही, बट मेडिसिन हेल्प करेगी, बट आपकी जो अल्टीमेटली जो बॉडी काम करेगी वो बॉडी ही काम करेगी और कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। सो सब ये रिकवर होने, आप बोलते हैं यार वैक्सीन तो बनी नहीं है, तो हाउ पीपल आर गेटिंग रिकवर, तो ये सबसे पहला एक वही रीज़न होता है कि एंटीबायोटिक जो भी इंटरनल बॉडी में होते हैं वो अपनी बॉडी को रिकवर कर लेता है। इसलिए यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया कि 80% वो लोग खुद रिकवर करेंगे। अगर सपोज कोई सीनियर सिटीजन है तो उनकी उनकी इम्यूनिटी इतनी खास नहीं होती है, इनकी इतनी अच्छी नहीं होती है, उसकी वजह से वो लोग को हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर वही सीन होता है कि इसलिए पीपल रिकवर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है डी। तो आप ये देख ये पढ़ लेना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन वीच एज ग्रुप द कोविड 19 स्प्रेड। देखो ये बेसिकली ये क्या बोला है, ऐसा नहीं कि कोई एज ग्रुप होती है कोविड 19 की, वो एक बच्चे में नहीं जाएगा, बूढ़े में नहीं जाएगा, बड़े मतलब अडल्ट में नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है, वो सब में जाता है, ठीक है। इफ़ यू आर मेंटेनिंग और जो कुछ भी कोविड 19 मतलब बोलता है ना उसको कफ है, स्प्रेड मतलब स्नीच कर रहा है एंड वो 1 मीटर के डिस्टेंस नहीं रख रहा है, तो डेफिनेटली जाना, मतलब बच्चा हो या अडल्ट हो या सीनियर सिटीजन हो, वो सबको जाएगा। तो कोविड 19 क्या लिखा, कोविड 19 ऑक्योर इन ऑल एज ग्रुप। फिर क्या बोला, कोरोना वायरस इन्फेक्शन इन द मिडिल इन चिल्ड्रन, ओल्डर पर्सन टू पर्सन, ये सब देखो ये सब चीज़ें मतलब नहीं है। अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है, सब में जाएगा, ठीक है, इसका आंसर ये है। आगे बढ़ता है, व्हाट इज अ कोरोना वायरस। बेसिकली कोरोना वायरस क्या है, ठीक है। सो एक चीज़ समझना, ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप एक चीज़ समझना, ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। बेसिकली कोरोना वायरस इज अ लार्ज फैमिली ग्रुप ऑफ वायरस, ठीक है। कोरोना वायरस का जो लेवल है वो सबसे टॉप पे जाता है, जैसे सार्क होता है, ठीक है, तो सार्क होता है जो एंट्री वीडियस बोलते हैं जिसको, वो भी होती हैं, ठीक है। अब क्या बोलिए, आज लास्ट फैमिली ऑफ वायरस एंड बिलोंग टू द नीडो वायरस फैमिली। अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई, कोरोना वायरस की जो फैमिली है बेसिकली नीडो वायरस, ठीक है, नीडो वायरस की फैमिली के अंदर आता है कोरोना वायरस। अब एक ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। अब एक चीज़ समझाता हूँ आपको मैं, ऐसा लिस्ट ऑफ बहुत सारे वायरसेस है, ठीक है, बट एक बोलते हैं ना ग्रुप ऑफ वायरस जिसके सिम्टम्स सेम होते हैं, ठीक है, बट उसमें से सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है वो है कोरोना वायरस, ठीक है, दैट वी कॉल इट कोविड 19, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया, इसका आंसर है सी। क्या है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, लाइक लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस एंड बिलोंग टू द फैमिली ऑफ निडोरा वायरस। ये चीज़ समझ में आ गई, काफ़ी बड़ी फैमिली है एंड निडो वायरस फैमिली की है, ठीक है। आगे बढ़ता है, अब सेवन, सॉरी, अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन 11 फरवरी 2020 अनाउंस एन ऑफिशियल नेम फॉर द डिजीज दैट इज कॉजिंग द 2019 नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द डिजीज, ठीक है। अब सबको ये क्वेश्चन का आंसर सबको पता है भाई, कोरोना वायरस का नाम क्या है, वैक्सीन का नहीं, कोरोना वायरस का नाम क्या है, कोविड 19। सो इसका आंसर क्या होगा, ए, ना कि ये सब, ये कुछ भी नहीं होगा, कॉन्विड वगैरह कुछ नहीं, कोविड 19, सिंपल आंसर, नो इजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस वॉज आइडेंटिफाई कौन सी करी में, वुहान। वुहान कहाँ पर आता है, चाइना में। सो इसका आंसर सी, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू द कोरोना वायरस। देखो एक चीज़ समझना, मैंने आपको पहले ही बताया कि कोविड 19 की जो सबसे सबसे जो डिजीज है वो सबसे टॉप पे आती है, तो मतलब उसके पहले जैसे स्वाइन फ्लू हुआ, सार्क हुआ, मर्स हुआ, ये सब बीमारी उसके नीचे आती है, तो लाइक इट रिलेटेड टू व्हाट, बोथ ए एंड बी। व्हाई बोथ एंड बी, क्योंकि मर्स भी उसके नीचे एक सब लेवल है, स्वाइन फ्लू, फिर बोलते ना प्लेज आया, फ्लेज आया था, याद है वो चूहे की वजह से बीमारी होने वाली सीन थी, प्लेज, सार्स, ये सब चीज़ें उसके पहले आती हैं, तो इट्स अर यू नो रिलेटेड टू द कोरोना वायरस, ठीक है। तो एक चीज़ समझ में आ गया आपको, सबसे बेस्ट इसका आंसर क्या है, ए एंड बी, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर आती है, मतलब आप समझ सकते हो कोरोना वायरस का लेवल कितना हाई है एज कम्पेयर टू अदर डिसीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर माइल्ड सिम्टम्स ऑफ नोवल कोरोना वायरस। देखो क्या है, बेसिकली आपको मैं बताता हूँ सिम्टम्स क्या है, ठीक है। फीवर होता तो चलता है भाई, ठीक है, कफ होता है, तो या आपको ब्रेथ लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो
तो ये सब चीज़ें तो उसमें आती है, सिम्टम्स में आती है, COVID-19 के सिम्टम्स में, या और भी चीज़ें इसमें आप ऐड कर सकते हो कि सपोज आपकी इम्यूनिटी बहुत ख़राब है, ठीक है, आपको कफ हो रहा है, सो ये कफ तो इसमें ऑलरेडी आ गया, सॉरी कफ आ गया, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ये सब जगह सिम्टम्स काम आते हैं, ठीक है. सो दैट ऑल कम्स टू द ऑल अबव द अबव डी, इसका आंसर डी है, ठीक है. और आपको थोड़ा और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो यू कैन गो थ्रू इट, ठीक है. मुझे लगता नहीं इतना कुछ ज़्यादा डिटेल लगेगा आपको, बट यू माइट बी अवेयर ऑफ इट के लाइक क्या रीज़न है, ठीक है. आगे बढ़ता है. फ्रॉम वेयर कोरोना हैज गॉट इट नेम. देखो देखो एक चीज़ समझना, कोई भी वायरस का नेम जो होता है बेसिकली ऐसे नहीं और देखा और हो गया, उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, ठीक है. माइक्रोस्कोप में देखे जाने के बाद वहाँ पर काफ़ी सारे वायरसेस होते हैं, ऐसा नहीं कि वो उसका नाम दे दिया, बट इट वुड बी समथिंग रिलेटेड टू सिंगल कैरेक्टर, ठीक है. सपोज कोई केमिकल की काफ़ी सारे FO होता है, CO2 होता है, तो ये सब क्या कैरेक्टर है, ठीक है. तो सेम COVID-19 का भी ऐसे ही कैरेक्टर बनाया गया था, तो उसके बेस पर उसको नाम दिया गया था. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोजेक्शन, ठीक है. सो ड्यू टू देयर ओन लाइक अ प्रोजेक्शन, ठीक है, उनके प्रोजेक्शन के बेस पर इसको नाम दिया गया क्या है, ये चीज़ समझ में आ गई. सो आई होप इसका आंसर है ए, राइट राइट, ये आंसर राइट है, ठीक है. सो देखो एक और आपको और डिटेल के लिए, ठीक है. माइक्रोस्कोप में कोरोना लिखा गया था, इन लैटिन इज कोरोना, एंड उसका मतलब क्या होता है, क्राउन या हालो, क्या होता है, एंड ड्यू टू देयर ओन क्राउन, देखो यहाँ पे समझ में आ गया, ड्यू टू देयर ओन क्राउन व्हाट वी कॉल इट कोरोना, ठीक है, लाइक अ प्रोजेक्शन, ये चीज़ समझ में आ गई. क्राउन का मतलब क्या है, कोरोना, ठीक है, लैटिन में उसका मतलब होता है कोरोना, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. सी दिस इज लास्ट. तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ यार, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुझे हेल्प मिलेगी, मुझे और ऐसी वीडियो बनाने में मुझे हेल्प मिलेगी, आपकी आपकी बोलते ना एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मैं हेल्प कर सकूँ इसके लिए. प्लीज़ प्लीज़ डू सपोर्ट मी यार, ठीक है. सो वट आर द प्रिकॉशन दैट नीड टू बी टेकन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोरोना वायरस. देखो कौन कौन से प्रिकॉशन आप कर सकते हो, ये क्वेश्चन का आंसर और आप ये क्वेश्चन डालना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बिकॉज किसा रहता है ना, नाउडेज पीपल आर गेटिंग लेजीनेस और मे इनसिक्योर अबाउट इट, लाइक क्या जो चल रहा है वो चलने दो यार, ठीक है, हम लोग हमारे देख लेंगे, ठीक है. सो उसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, लाइक केयरलेस हो रहा है, अल्टीमेटली मतलब वही होता है, केयरलेस हो रहा है, ठीक है. तो ये चीज़ें ना हो, इसकी वजह से ये क्वेश्चन बेसिकली डाला गया है, ठीक है. सो देखो इसका एक्सप्लेनेशन, अकॉर्डिंग टू WHO पर्सन कैन टेक अ प्रिकॉशन बाई कवरिंग द नोज एंड माउथ. अगर मुंह और नाउस, देखो जहाँ से वायरस जाता है बेसिकली नोज एंड माउथ से अगर वायरस जाता है, तो यू कैन कवर योर फेस एंड देन, हम लोग जो अभी N95 मास्क पहन रहे हैं, बिकॉज वाई वी आर प्रिफरिंग, बिकॉज इट कवर अवर नोज एंड माउथ, ठीक है, वाइल स्नीजिंग वाई टिश्यू और यू नो एल्बो द देन इमीडिएटली थ्रो द टिश्यू इन टू द क्लोज डस्टबिन. बेसिकली ये लोग बोलते हैं भाई कोई भी कुछ तुम स्नीज किया फेंक दो, डोंट कीप इट ऑन योर माउथ. सपोज आप मुंह पे लगा कर तो आपको सीनीज आ रही है, तो उसको धो के नया माउथ ले लो या नया खरीद लो या उसको धो के वापस नया कर लो, ठीक है. तो इस तरह से आपको रखना है. सो अल्टीमेटली बेस्ट प्रिकॉशन वे क्या है, जस्ट कवर योर नोज एंड माउथ, ठीक है. सो इसका आंसर क्या, कवर योर नोज एंड माउथ व्हेन स्नीजिंग, ठीक है. आई होप यू आर क्लियर विद दिस वीडियो. मुझे यकीन है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी इसमें आंसर आपको मिल करेंगे. ऐसे ही मैं काफ़ी सारी आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, काफ़ी अगर आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए हेल्प करिए तो डेफिनेटली आई हेल्प यू, ठीक है. प्लीज़ एक सपोर्ट करना, मोटिवेट करके, एक सब्सक्राइब करके. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर लेना. विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन हैव अ ग्रेट डे.